हाय गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट व्हील्स थीम बर्थडे केक। इसकी खास बात यह है कि इसमें से जो ट्रैक है वो टनल बनाते हुए केक के बीच में से निकलता है, तो इसके स्टेप बाय स्टेप सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें जो स्पीड ट्रैक का डिजाइन है वो हम पहले बनाएंगे। तो फोंडेंट का काम आप केक बनाने से पहले करिएगा ताकि इसको डिजाइन बनाते वक्त ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक फोंडेंट लिया है, इसे आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में पहले इक्वल काट लें। फोंडेंट आपके हाथ से चिपके मत, उसके लिए आप सीएमसी पाउडर या कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। और आपको चाहिए एक सिलिकॉन का शीट जिसके ऊपर आप फोंडेंट का काम करें। अगर आपके पास सिलिकॉन शीट नहीं है तो आप थर्माकोल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 सेंटीमीटर के चौड़ाई पे इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो आप इसे बिल्कुल रूलर की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर पे कट करें। देखिए कुछ इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स मैंने काट के रख लिए हैं और फिर मैंने इसे 1 सेंटीमीटर पे फिर कट किया है। तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर शेप का हमारे पास ट्रैक का डिजाइन रेडी हो गया है। तो हॉट व्हील केक को अच्छे से कवर करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है और ये डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है केक पे। और सेम मैंने व्हाइट कलर के फोंडेंट से भी ये कट करके रख लिया है। तो अब बारी आती है बच्चे का केक पे नाम लिखने का। तो ये हॉट व्हील्स का जो लोगो है इसका मैंने एक प्रिंट आउट निकाल लिया है। वैसे तो इसके कटर्स भी आते हैं मार्केट में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी, आप वो ले सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से आप इसका प्रिंट आउट ले लें और उसे रेड फोंडेंट में कट कर लें। इसके अल्फाबेट के लिए मैंने गूगल में हॉट व्हील्स फॉन्ट स्टाइल सर्च किया और कुछ इस तरीके से मैंने अपने बेटे का नाम लिखकर पेपर में इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि घर पे ही कुछ चीज़ों से मैं केक का अच्छे से डेकोरेशन कर सकूँ। तो हॉट व्हील थीम केक हम यहाँ पर बना रहे हैं और उसमें होते हैं येलो स्टार्स। तो मेरे पास एक स्टार कटर यहाँ पर था, आप चाहे तो हाथ से भी स्टार बनाकर ऐसा कट कर सकते हैं। और अब बारी आती है स्टेप टू की। तो मैंने यहाँ पर 1/2 kg का वेनिला केक लिया है और उसे 2 स्लाइस में इक्वल कट कर लिया है। अब हमें यहाँ बीच में ट्रैक बनाना है, ट्रैक के लिए टर्नल बनाना है। तो आप केक को इक्वल हाफ में इस तरीके से कुछ कट कर लें और याद रखिएगा कि आपको इसे बीचों बीच मींस सेंटर से ही कट करना है। और आपने डिजाइन में देखा होगा कि मैंने 2 केक रखे हैं, तो ये प्रोसेस आपको दोनों केक के साथ करना है। तो केक बोर्ड आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। और अब बारी आती है स्टेप 3। तो यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम कोन का एक बॉक्स है, या तो कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स ले लें। याद रखिएगा कि जो उसकी चौड़ाई है वो ट्रैक से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और जो ये केक हमने कट करके रखा है इसकी ऊंचाई कुछ 4 सेंटीमीटर की आई है, तो बॉक्स को हम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई में कट कर लेंगे और सेम इसकी लंबाई नाप के हम इसके लंबाई में भी इसे कट कर लेते हैं। आप इसे छोटा कट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जब हम केक में आइसिंग करेंगे तो वो और ज्यादा स्पॉन्जी बनेगा। अब क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो आप इसे क्लीन फिल्म से कुछ इस तरीके से कवर कर दें ताकि जो केक का आइसिंग है वो ये एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद आप इसे सिल्वर फॉइल से कुछ इस तरीके से कवर कर लें ताकि इसका एक अच्छा सा शेप बन जाए और फिर अंदर से आप इसे सेलो टेप से चिपका दें ताकि ये ट्रैक में अंदर ओपन ना हो। और अब बारी आती है केक को आइसिंग करने की। तो व्हिपिंग क्रीम और बटर क्रीम की आइसिंग की रेसिपी आपको मेरे डॉल केक में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पहले केक बोर्ड में आप लगाइएगा व्हिपिंग क्रीम ताकि ये जो केक है वो स्लिप होकर बिल्कुल भी ना गिरे बोर्ड में से। केक को अच्छा स्पॉन्जी बनाने के लिए आप उसमें डाल दीजिए शुगर सिरप। तो आने वाले और भी केक के आइडियाज मिलने के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप दोनों केक बेस यहाँ पर एक साथ रख लें और उसे शुगर सिरप डालने के बाद व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कवर कर लें। आप दोनों हाफ सर्कल में उतना ही डिफरेंस रखिएगा जितने साइज का आपने बोर्ड कट किया है टनल बनाने के लिए। तो दूसरे लेयर के ऊपर भी आप डालिए थोड़ा सा शुगर सिरप। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो यहाँ पर आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। तो फिर हम इसमें लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो ये जो क्रम कोटिंग है केक की वो हो चुकी है, तो आप इसे कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। और अब बारी आती है स्टेप 4 की। तो यहाँ केक को फ्रिज में रखने के कारण इसका जो आइसिंग है वो अच्छे से सेट हो चुका है। उसमें आप डाल दीजिए जो टनल हमने बना के पहले से रखा हुआ था, इसे अंदर की साइड से हल्का सा आप प्रेस करिए ताकि ये आइसिंग से चिपक जाए। तो ये केक देखकर मेरा बच्चा तो बहुत ही सरप्राइज हुआ था कि आखिर केक के बीच में से कार कैसे जा रही है। और अब बारी आती है स्टेप 5 की। तो अब हम रखेंगे इसमें केक का टॉप लेयर। तो अगर आपने मेरे पहले केक की रेसिपी देखी होगी तो जो टॉप लेयर का शुगर सिरप है मैं कुछ इस तरीके से डालती हूँ।
ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि जब इसमें हम व्हिपिंग क्रीम ऊपर से लगाएं तो वो बहुत ही इवनली अच्छे से लग जाए। तो टॉप लेयर में आप यहाँ पर लगा दीजिए व्हिप क्रीम और ये केक को फिर से हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये पूरे केक की अच्छे से क्रम कोटिंग हो चुकी है। तो टनल बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड मैंने यूज किया था उसको क्लीन फिल्म और सिल्वर फॉइल से इसीलिए कवर किया था ताकि जब मैं उसके ऊपर केक रखूं तो वो उसका वजन अच्छे से उठा पाए। अगर मैं उसे वैसा कवर नहीं करती तो इसके पूरे चांसेस थे कि वो बाद में टूट जाता। तो केक में अच्छे से क्रम कोटिंग हो चुकी है और आप इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब बारी आती है स्टेप 6 की। तो यहाँ मैंने बटर क्रीम आइसिंग यूज की है और उसमें मैंने ब्लू कलर मिक्स किया है, आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरे केक को ब्लू कलर में नहीं कर रही हूँ, कुछ मैंने व्हाइट रखा है और कुछ मैंने इसे ब्लू किया है। तो जो टॉप हिस्सा है उसे मैंने ब्लू कलर किया है और इसे शार्प एजेस दे रही हूँ। तो स्पैचुला को मैंने गर्म पानी में कुछ देर रखा और उसे अच्छे से कपड़े में पोंछ कर कुछ इस तरीके से मैं चला रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग आए। तो जो डिज़ाइन हमने बना के रखा था वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ व्हिपिंग क्रीम के ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ, तो आप इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा नहीं तो ये स्लिप होकर गिर जाएगी। तो यहाँ हम कुछ बनाएंगे चेक के पैटर्न्स। अगर आप केक बेस फोंडेंट पूरा रख रहे हैं तो आप इसे पानी से चिपकाइएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम यूज हो रही है इस वजह से मैं इसे कुछ इस तरीके से ही चिपका रही हूँ और ये आसानी से इसमें चिपक जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने सेम दो केक बनाए हैं और उसके बीच में से ट्रैक डाला है और जिसे मैंने कुछ केक टॉपर से अच्छे से डेकोरेट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसमें हॉट व्हील फायर भी बना सकते हैं फोंडेंट से, या फिर इसमें रियल कार भी रख सकते हैं केक के ऊपर। तो आइडिया बहुत सारे हैं, आप ये केक बनाकर एक बार जरूर देखिएगा और मुझे उसकी फोटो जरूर भेजिएगा। मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।